हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज बस स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 का हम लोग मैथमेटिक्स कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेसिकली लास्ट चैप्टर होता है कैलकुलस में। इसके पहले हम लोग फंक्शन से शुरू करते हैं और एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले हमने क्या किया, सब टॉपिक डिफाइन कर दिया कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने सब टॉपिक लिया, पहला पॉइंट हमने लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट उसमें लिया हमने डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने सेकेंड पॉइंट रखा, वो सेकेंड पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास आया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड पॉइंट में एक सब पॉइंट आया, वो है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ओके, उसके बाद आएगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। इसमें फोर्थ पॉइंट में सब पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास फोर पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है रेडियो एक्टिव डीके। थर्ड पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड फोर्थ पॉइंट है सरफेस एरिया। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आज फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर सम एग्जाम इक्वेशन एज फ्लो। फर्स्ट ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, बी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। फिर हमने लिया सी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स। डी मैंने लिया आर डी आर अपॉन डी थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू फाइव। ई रूट अंडर वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एंड जे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये सारे इक्वेशन लिख लिया। अब इसका इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। नोटेड दैट ऑल द इक्वेशंस ए टू ई स्टेटेड अबव इन्वॉल्व वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर इक्वेशन एफ इन्वॉल्व डिफरेंशियल डी एक्स एंड डी वाई। ओके, सच इक्वेशन आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमने दो पॉइंट पर ध्यान फोकस कर रहा हूं। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो ए से ई के बारे में हमने डिस्कस किया, ए टू ई के बारे में डिस्कस किया, ए से लेके ई तक। और वेयर इक्वेशन एफ जो है, जो इक्वेशन नंबर एफ है, इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन डी एक्स एंड डी वाई। ओके,
तो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई और डिपेंड्स ओनली ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्स इज कॉल्ड अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बोला है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई और डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्स इज कॉल्ड अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिख लिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या है, एक्स क्या है आपका डिपेंडेंट किस पर, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई डैश, वाई डैश मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स ही बोलते हैं इसको, एक बार डैश लगा तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बोलेंगे। बी डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, डी वाई के ऊपर डबल डैश, मीन्स इसको दो बार डेरिवेटिव किया गया। और सी हमारे पास है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के पा वाई पर हमने थ्री डॉट लगाया हूँ, तो इसको थ्री बार डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव कितने बार लिखा गया, थ्री बार। इसका मतलब है कि वाई को थ्री बार डेरिवेटिव हम लोग किए हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमने ए यहाँ लिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, टू है। इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, टू है। तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी, टू होगी, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसकी ऑर्डर होगी। तो यहाँ लिखा द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑफ ऑर्डर टू। तो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, टू है। तो इसकी ऑर्डर कितना होगा, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज टू। तो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू हो गया। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही लिखा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी ऑर्डर कितना है, टू। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, ए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू वाई। अब इस हाईएस्ट इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, थ्री है। तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी, थ्री होगी। तो दिस इक्वेशन के ऑर्डर कितना होगा, टू होगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, थ्री है। तो इसके ऑर्डर कितना होगा, थ्री होगा। तो ऑर्डर कितना होगा इसका, थ्री होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका थ्री है, तो इसका ऑर्डर भी थ्री होगा। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑर्डर इज थ्री एंड देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज थ्री। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसकी ऑर्डर होगा। अब हम आते हैं डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में आपको बताते हैं। तो डिग्री क्या होता है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव आर मेड
फ्री फ्रॉम निगेटिव और एंड और फ्रैक्शनल इंडाइसेस, फ्रैक्शनल इंडाइसेस इफ एनी। तो ऑर्डर क्या होता है, डी ऑर्डर आपको समझ में है, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम निगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसेस इफ एनी। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है, और डिग्री क्या होता है, डिग्री में मैं बता रहा हूं कि डिग्री जो होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो आपको डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होगा वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यहां बोला पावर, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देते हैं, फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल वन लिया हूं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ए डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रेकेट डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रेकेट क्लोज प्लस वाई इक्वल टू 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 टाइम साइन थीटा। तो सोल्यूशन, तो इन दिस, अब देखिए सोल्यूशन में हमने लिखा है, ये आप देख लीजिए, इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, टू, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, वन। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, टू, और डिग्री कितनी हो गई, वन। तो यहाँ पर लिखे हैं, इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड इट्स पावर इज वन। Therefore, this equation has order is 2 and degree is 1. वही मैंने बताया था, उसी को मैंने लिख दिया। The highest इसकी derivative 2 है और order कितना, इसके power कितना है, 1। तो order कितना आया, 2, degree कितना हुआ, 1। तो आइए example number 2 लेते हैं, find the order and degree of the differential equation. Okay? तो ये bracket d square y upon dx square equal to cube root एक्स प्लस इन ब्रेकेट डी वाई अपॉन डी एक्स का ब्रेकेट स्क्वायर। इस क्यूब रूट को हमें हटाना होगा, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हमको क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, तब ये क्यूब रूट हटेगा। तो सॉल्यूशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू क्यूब रूट वन प्लस इन ब्रेकेट डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रेकेट क्लोज का स्क्वायर। हमने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड वी गेट, तो क्यूब करेंगे तो यहाँ, तो क्या इन ब्रेकेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ब्रेकेट क्यूब इक्वल टू इन ब्रेकेट वन प्लस इन ब्रेकेट डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रेकेट क्लोज का स्क्वायर इन ब्रेकेट वन अपॉन थ्री इन टू थ्री, क्योंकि क्यूब कर दिया कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया इक्वल टू इन ब्रेकेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ब्रेकेट क्यूब इक्वल टू इन ब्रेकेट वन प्लस इन ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तब इस, अब हमारा ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, टू, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, थ्री। तो इसकी ऑर्डर कितना हो गया, टू, और पावर कितना हो गया, थ्री। हमने लिखा द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज टू एंड ऑर्डर इज टू and power of the highest highest order derivative is 3, the degree is 3. इसकी degree 3 हो गया और power कितना है, degree कितना हुआ, degree 3 हो गया, order कितना हुआ, 2 हुआ। तो आइए last हम लोग देखते हैं example, find the order and degree of the differential equation dy upon dx 2 plus sin x plus 3 upon dy upon dx। solution, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस साइन एक्स प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर टू होगा,